बीजेपी वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला राजपूत समाज की लागणी दुभाय तेवी टिप्पणी करता समग्र राजपूत समाज में आक्रोश जोवा मळे छे। करणी सेना वलसाड जिला अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह राजपूते पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी ने विखेरी साथ रूपाला संस्कार पर उठाया सवाल। बीजेपी लोकसभा चूंटणी में पुरुषोत्तम रूपाला ने टिकट रद्द नहीं करे तो मोटू नुकसान भोगवा रहे तैयार, बात जयरे समाज सन्माननी हशे तो कोईपण पार्टी समाज थी वधु महत्व नहीं राखती, प्रथम समाज पछी राजकारण। रिपोर्टर सुरेश भानुशाली, सैटरडे न्यूज, वापी। मेरा नाम गजेंद्र सिंह खरेस, क्षत्रिय करणी सेना परिवार, वलसाड़ जिला अध्यक्ष। गजेंद्र जी, अभी जो बीजेपी के एक नेता ने जो टिप्पणी की है क्षत्रिय समाज के वहाँ पे, तो अभी आपके यहाँ पे क्या तनाव चल रहा है और आप क्या उस पे कहेंगे? हमारे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, उसके द्वारा क्षत्रिय समाज की महिला के बारे में जो शब्द कहे अपशब्द, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि पढ़े लिखे संस्कारी मंत्री, मेरे को नहीं लगता कि वो पढ़े लिखे और संस्कारी है, क्योंकि उसमें कौन से संस्कार है? जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो क्या करेगा? मोदी जी का नारा है नारी पढ़ाओ देश बचाओ, और ये नारियों के बारे में इस तरह का टिप्पणियाँ करेंगे वो कदया भी उचित नहीं है। अभी आपकी क्या मांग है? सर्व समाज की एक ही मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी की टिकट को कैंसिल किया जाए, दूसरे किसी उम्मीदवार को दिया जाए, क्योंकि इस ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को हम जिता के अगर लोकसभा में भेजते हैं तो वो महिलाओं के बारे में क्या करेगा, क्या सोचेगा, ये आप ही जान सकते हो कि जिसकी सोच इतनी निम्न और नीची हो वो क्या सोचेगा, महिलाओं को क्या विकास करेगा। राज शेखावत जी जो है अभी उन्होंने भी कुछ पार्टी शायद अपनी खड़ी की, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखो, राज शेखावत एक ईमानदार देशभक्त है, वो उन्होंने पहले सेना में काम किया है और उनके खून के अंदर देशभक्ति है, और उन्होंने पहले बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और अब अपने निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान से, झुंझुनू जिले से, जहाँ उनको बहुत भारी सपोर्ट मिल रहा है, लगभग उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी हमें कोशिश यही करनी है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताए। तो अभी करणी सेना की रूपाला जी के लिए क्या मांगे, और अगर जो रूपाला जी को वहां से कैंसिल करते हैं तो आपकी करणी सेना आगे क्या कदम उठाएगी? अगर रूपाला जी का टिकट कैंसिल किया जाता है तो उसके बाद में राजपूत समाज उनके बारे में सोचेगा कि क्या करना है। अगर उन्होंने टिकट कैंसिल नहीं की तो पूरा सर्व समाज उनका विरोध करेंगे, उनकी हार तो निश्चित है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, भगवान भी उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। परंतु अगर उनको टिकट दिया जाए तो उसका हर जाना पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, वलसाड़ ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनको भुगतना पड़ेगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह है और मैं करणी सेना भारत का गुजरात का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सुमित जी, अभी जो पुरुषोत्तम रूपाला और करणी सेना के बीच जो तनाव चल रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और दूसरी चीज़ मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला और करणी सेना का कोई मतलब नहीं है, सारे राजपूत संगठन और राजपूत समाज की बात है। तो अभी जो एक आपके अध्यक्ष जो है राज शेखावत जी ने, तो उन्होंने इन पे क्या प्रतिशत दिया है, और वो अपनी खुद की एक पार्टी खड़ी की है, ऐसा आपके कोई लोगों से जानने को मिला? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करणी सेना भारत का पदाधिकारी हूँ, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वीर प्रताप सिंह जी हैं, और हमारे जो डॉक्टर राज शेखावत जी हैं वो भी हमारे सदैव मार्गदर्शन रहे हैं, क्योंकि सारी करणी सेना एक है, क्योंकि सबका एक ही एजेंडा है और सारे भगवा झंडे के लिए और न्याय के लिए और समाज के लिए कार्य करती है। तो उनका तो एक अलग अध्याय हो गया, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी जाति को या किसी समाज को टारगेट करेगा तो राजपूतों ने अपनी तलवार म्यान में रखी, उसे चलाना नहीं भूले। आपको मालूम है कि जेएनयू में जब बोला गया था कि ब्राह्मण और गुप्ताओं को यहां से देश छोड़ो, तो हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामणि साहब ने बोला था कि अगर ब्राह्मण और वैश्य और बनियों पर कोई बात आएगी तो क्षत्रिय अपनी तलवार के दम पर इंसाफ करने का कार्य करेंगे। और मैं उसी चीज को लेकर चलता हूं, किसी भी व्यक्ति विशेष व्यक्ति को
किसी भी जाति या किसी भी धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने 370 धारा हटवाई, राम मंदिर बनवाने का काम किया, ज्ञान वापी के उसमें लिया और समाज के लिए कार्य करने का काम कर रहे हैं, तो हम बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का बंदा या कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर विशेष रूप से किसी भी जाति को या राजपूत जाति या हमारी बहन बेटियों के लिए बोलेगा तो ये राजपूत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जो आपने 72 घंटे का एक टाइम दिया था कि अगर 72 घंटे के अंदर रूपाला जी की टिकट कैंसिल ना की गई तो कुछ जोहार होगा, ऐसी कुछ। देखिए, यही हमारे देश की विडंबना है कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनके कहीं ना कहीं तो उनको संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप चाहते तो ये क्या बात, पूरे ये तो आग की तरह पूरे भारत में फैली हुई है, तो क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? उनको ऑन रिकॉर्ड आके माफी मांगना चाहिए, हमारी छत्राणों से, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारे समाज से। क्या जब वो वोट जीत के वो मंत्री बने तो क्या राजपूतों ने उनको नहीं दिया होगा, ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया होगा? कैसे ये बोल सकते हैं किसी के लिए? क्या सत्ते के नशे में इतना वो चूर हो गए हैं मंत्री महोदय जी कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह कहीं भी कुछ बोलेंगे? ये क्या मतलब है? और अगर वो बोलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं भारी विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके बोल रहा हूं, और ये गुजरात नहीं पूरे भारतवर्ष के राजपूतों में आक्रोश है कि देख रहे हैं आप, कभी कितने लोग ने जो है कि धरना प्रदर्शन किया, पुतला फूंकने का काम किया, उनको अगर वोट मिला या उनको टिकट मिला तो सारे लोग सड़क पे आके विरोध पे खड़े हुए हैं। तो अभी जो जो आपकी मांग थी कि पुरुषोत्तम रूपाला को हटाया जाए, परंतु पुरुषोत्तम रूपाला जी ने तो अपना चुनाव प्रचार भी चालू कर दिया है, तो इस देख पे आपका क्या रहेगा? बिल्कुल देखिए, मैं सीधी बात बोलता हूं, मैं किसी को हटाने या उसमें नहीं बोलता हूं। कहा गया है, दुख शोक जब जो घेर ले तो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पे दृढ़ रहो। और यहाँ अधिकार खो के बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हमारा रिश्तेदार है, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसको दंड देना हमारा अधिकार है और आपका भी अधिकार है। वो अब कुछ भी करे, पार्टी से टिकट लड़े, क्या करे, हमें मतलब, लेकिन उन्होंने जो ये गलत भाषा के शैली का यूज किया है उसको वो माफी मांगे, मैं ये चाहता हूँ। और मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार में अपना अधिकार है कि वो अपने वोट भी मांग सकता है, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करेगा तो ये सुमित प्रताप सिंह आपके मीडिया के माध्यम से मैं स्वयं कह रहा हूं, सबसे पहले वहां आंदोलन करने का, सबसे पहले खड़े होने का काम मैं स्वयं करूंगा। तो लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने तो लगभग 3 बार माफी मांग चुके हैं, तो नहीं तो इसमें कहां माफी मांगी है, किस जगह माफी मांगी, हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। मैं तो आप जैसी मीडिया को, भारत के चौथे स्तंभ के आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा सम्मान करता हूं कि आप दोनों लोगों को, पक्षों को दिखाने काम करते हैं। और छत्री लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, हमारा शुरू से इतिहास रहा, ये देख लीजिए, हम लोग ने बाकायदा यहाँ पे कलेक्टर महोदय को जाके ज्ञापन दिया, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी ने, उन्होंने दिया। तो हम कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन अगर वो आके कहां पर आपके पास अगर कोई मीडिया में हो कि उन्होंने माफी मांगा तो आप मुझे दिखाइए, तो हम देखते हैं, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं। बहुत सारे मीडिया में ये चीज पब्लिश हुई है और हमारे पास भी वो चीज आई है, तभी हम आपसे ये चीज कह रहे नहीं, हैं। मान्यवर मैं कहता हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने उस चीज को देखा, मैंने आपको एक बंद कमरे में माफी मांग ली, तो आपने हमें देखा ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आइए समाज के सामने, जिस तरह से आप ललकार के आप बोल रहे थे, जिस तरह से मंच से आप बोल रहे थे, तो एक मंच लगाइए और मैं तो कहता हूँ आप माफी मांगिए। क्षमा दान संसार का सबसे बड़ा दान है और क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि क्षमा हमने अपने दुश्मनों को भी कर दिया, तो मेरी तो उनसे कोई जाति दुश्मनी है नहीं, ना हमारे किसी समाज की है। वो क्षमा मांगे, अपना प्रचार करें, प्रसार करें, हमें कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन आपने कुछ सत्रियानी बहने जो जोहर की बातें जो अभी जी चल रही है कि हम जोहर करेंगे, तो ये कहाँ का मतलब, अपने बलसाड़ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कि वलसाड़ में अभी फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई इस प्रकार का कृत्य करे, क्योंकि एक मानते हैं हम इतिहास में क्षत्रियों ने स्टार्टिंग में जब मुगल और बाबर ये सब आ गए थे, उनके ऊपर उनको छूने की कोशिश करी तो एक नहीं 16-16 हजार रानियों ने जौहर करने का काम किया। तो मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले कि उनके ऊपर कोई वो रो प्रतिप्रोप या लांछन लगे या किसी की कोई ऐसी बात हो, उससे पहले वो आके समाज में माफी मांग ले।
बात खत्म हो गई, उसके ऊपर जो हमारे वरिष्ठ लोग जो बोलेंगे उस प्रकार का हम काम करेंगे। और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो राजपूत करणी सेना की बात हो या सारी करणी सेनाओं की बात में हो या राजपूत का संगठन की बात हो या एक राजपूत बच्चा भी हो, उसके भी मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और जब हम कभी किसी के इतिहास को छेड़ते नहीं है, जब हम कभी किसी के इतिहास को कुछ बोलते नहीं है, तो किसी व्यक्ति को क्या जरूरत है कि हम लोग सोए हुए हैं, बार बार तुम जाग रहे हो, बार बार तुम शेर को जगा रहे हो कि उठो शिकार करो, ऐसा क्या मतलब है? ये तो नहीं करना चाहिए था। हमने कभी किसी से बोला या हमारे किसी क्षत्रिय समाज के लोगों ने किसी से बोला या किसी के इतिहास के बारे में बोलते, जो भी कोई आता है, कोई पद्मावती पिक्चर बना के चला जाता है, कोई आदि पुरुष मूवी बना के चला जाता है, कहीं हमारे राम भगवान को कहीं रामलीला में कोई नचाने लगता है, ये सब क्या है? क्या हमारी क्षत्रिय जाति को भी एक विशेष रूप से जो है कि टारगेट करते हैं? है? और मैं तो हर व्यक्ति को मानता हूँ, समाज को मानता हूँ, ब्राह्मणों को मानता हूँ, ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, सर्वनीय। देख लीजिए, आज आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, हमारे मीडिया में पहला ऑफिस वापी में आप देखेंगे कि जहाँ महाराणा प्रताप भी लगे हैं और भगवान परशुराम भी लगे हैं, जहाँ श्री राम भी लगे हैं और परशुराम भी लगे हैं। तो हम तो सबको लेके चलते हैं ना, तो किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। अभी आपकी मतलब जो करनी सेना जो है उनकी क्या मांग है परसोत्तम रूपाला को? प्रथम मांग ये है, परसोत्तम रूपाला जो है वो मीडिया के सामने आए, एक ऐलान करें कि आज मैं फला दिन फला डेट को सर्व समाज से, यानी कि हमारे पूरे राजपूत समाज से हम माफी मांगते हैं और ये जो गलती हुई हो हमें माफ करने का काम करें। तो हमारी टीम में जो भी ऊपर के आदेश है, वरिष्ठ अधिकारी है, वो अगर कह देते हैं तो ठीक है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षमा दान संसार का सबसे बड़ा दान है और मैं माफ करूंगा, परंतु इस तरह का कृत अगर कोई बार बार करेगा तो हमारा समाज, हमारी करणी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।